good morning my dear students i hope all of you are very good at your home my dear students today we will continue our chapter 11 that is mailing and mining the web in this chapter we will already study about the common operation of email common fields like to subject cc bcc of email then we study how we manage our address book by editing the contact by deleting the contact okay then we study how we adding the signature and how we uh, control the spam then what the thing we have uh, we have need to keep in mind when we are uh, sending or typing any email okay uh, how we attach the e uh, attachment to, uh, with email what is mining the web what is searching term how we exact phrase match means how we find the exact thing what we want to find out okay then we use the plus or minus sign plus sign for including the keywords and for minus sign for excluding the keywords okay like example plus recipe plus chocolate minus shake then we study how we saving the url as favorites so uh, today we will study about cyber safety tips nowadays everyone use internet everyone use telephone social media like facebook whatsapp uh, in Instagram, Twitter, etc. okay. So when we need this social media, we have need to be uh, safe. How we become safe by using this following steps. First is don't give any personal information related to your family, friends or yourself like names, addresses, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा मीन्स हमारे हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो जो सामने हम जिससे चैटिंग कर रहे हैं हैं या जिससे कनेक्ट हो रहे हैं उससे हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी ना खुद के बारे में देनी है ना फैमिली के बारे में देनी है ना फ्रेंड्स के बारे में देनी है ना किसी का नाम बताना है ना अपना एड्रेस देना है ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि जिससे वो हमसे कॉन्टैक्ट कर पाए ठीक है देन सेकेंड है डोंट फिल एनी फॉर्म ऑनलाइन विदाउट कंसल्टिंग योर पेरेंट्स हम क्या करते हैं अभी तो आप छोटे हो जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं इलेवन ट्वेल्थ में आते हैं तो उसके बाद कंपटीशन फाइट करते हैं कंपटीशन के लिए हम बहुत सारे एग्जाम फॉर्म्स फिल करते हैं ठीक है तो उसके लिए हम कभी भी जब फॉर्म फिल करें तो हमें क्या करना है कि कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले अपनी पेरेंट्स से कंसल्ट करनी है उनकी परमिशन से हमें कोई भी फॉर्म फिल करना है इवन उनकी देख रेख में करना है ठीक है सो उनके सुपरविज़न में करना है ताकि कोई भी ऐसी हमारी कुकीज़ वगैरह के थ्रू जो हमारी पर्सनल uh, इन्फॉर्मेशन है क्या हम है, क्या चेक इन करते हैं क्या चेकआउट करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है तो इसीलिए क्या है अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करके उनके सुपरविज़न में ही हमें कोई भी फॉर्म फिल करना है मैंने वेबसाइट से पर्सनल इन्फॉर्मेशन देन यूज इट फॉर द मार्केटिंग पर्पज़ जो कि मैंने आपको कुकीज़ बताया था थर्ड इज़ डोंट ओपन एनी ई मेल फ्रॉम अननॉन पर्सन दैज मेल्स मे बी कैरी वायरसेस यानी किसी भी अननॉन पर्सन से हमारे पास कोई मेल आता है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको ओपन नहीं करें क्योंकि कई बार क्या होता है जो अननॉन पर्सन होते हैं वो हमें मेल के थ्रू क्या होता है वायरसेस सेंड कर देते हैं और उससे क्या होता है जैसे हम उस मेल को ओपन करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है मीस हम कंप्यूटर पर ओपन कर रहे हैं या लैपटॉप पर कर रहे हैं या फोन पे कर रहे हैं है। उस पूरे में क्या होता है वायरस आ जाता है इसलिए हमें अननॉन पर्सन से जो भी मेल आता है उसे ओपन नहीं करना चाहिए फोर्थ है डोंट सेंड एनी पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ और योर फैमिली और एनी अदर पर्सनल इन्फॉमेशन टू अ फ्रेंड यू मीट ऑनलाइन विदाउट कंसल्टिंग टू योर पेरेंट्स यानी हमें कभी भी कोई ख़ुद की पिक्चर या फिर हमारी फैमिली की रिलेटिव की फ्रेंड्स की किसी की कोई पिक्चर या फिर कोई, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसे नहीं सेंड करनी चाहिए उसको जो कि हमसे ऑनलाइन फ्रेंड हमारा बना है या बनी है मीन्स जो भी हमारा ऑनलाइन फ्रेंड बना है ठीक है उसे हमें अपनी पर्सनल पिक्चर्स वगैरह या फैमिली के पिक्चर फैमिली के कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिटेल ठीक है या कोई और पर्सनल इन्फॉमेशन है वो सेंड नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो हमारे से ऑनलाइन फ्रेंड बना है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ए, उसने जो बातें हमें बताई है ठीक है या उसने जो सोशल मीडिया पर अपने बारे में बताया हुआ है वो बात सच हो ठीक है मोस्ट काफ़ी बार क्या होता है फेक भी होती है और वो हमारे क्या है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जान के हमें हमारी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं हमारी इमेज को डाउन कर सकते हैं इमेज को स्पॉइल कर सकते हैं ठीक है इसलिए हमें ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी अननोन पर्सन के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए फिफ्थ है टेल टू योर पेरेंट्स इफ यू फील अनकंफर्टेबल और इफ समवन ऑन द इंटरनेट हरासेस यू और यू सिक्स्थ बी रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल व्हेन यूजिंग द इंटरनेट वेदर एट होम और इन अ पब्लिक ऑनलाइन सेंटर और साइबर कैफे यूजिंग द कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबली नॉट कॉजिंग हार्म टू अदर थ्रू योर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ मतलब जब भी आप या घर पे चाहे आप इंटरनेट को घर पे यूज़ कर रहे हो या किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो साइबर से कैफे में कर रहे हो ठीक है लेकिन कभी भी आपको इंटरनेट यूज़ करते समय हमें आज सा आपको रेस्पॉन्सिबल बने रहना होगा कि आपकी किसी भी एक्टिविटी से यानी आपकी कोई भी जो ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है उससे कोई सामने वाले यानी जिससे आप चैट कर रहे हो या किसी को से नहीं भी कर रहे हो तो आप कोई ऐसा कॉमेंट नहीं करोगे जिससे सामने वाले की फीलिंग को हर्ट हो ठीक है तो आपको ये जब भी आप इंटरनेट यूज़ करोगे तो ऑलवेज आपको या सोशल मीडिया यूज करते हो तो हमेशा आपको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए ओके सो नाउ वी कम टू द वर्कशीट्स ऑफ दिस चैप्टर वर्कशीट फोर्स दैट इज़ एम सी क्यू फर्स्ट इज द एड्रेस बुक इन ई मेल इज़ आंसर विल बी सी प्रोविजन इन ई मेल टू स्टोर ऑल नेम्स इन इट सेकेंड इज अक्स जी वेस्ट डॉट कॉम इज ए फेमस ये है एक सर्च इंजन जिसको इसको सपोर्ट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी को नैचुरल लैंग्वेज क्वेरीज क्या होती है इसमें हमें किसी भी एग्जैक्ट फ्रेज फ्रेज लिखने की जरूरत नहीं होती है एंड प्लस एंड माइनस साइन की किसी की वर्ड के आगे किसी भी प्लस या माइनस साइन की जरूरत नहीं होती है हमारी ये मेथोलॉजी को समझ के हमारे अकॉर्डिंग ही काफ़ी सारी जो आंसर्स है उससे मैच करते हुए वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है ठीक है और नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज का क्या होता है कि सारे जो सर्च इंजन है वो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं जीव एस डॉट कॉम है वो इसको सपोर्ट करता है ठीक है गूगल भी इसको सपोर्ट करता है थर्ड है ए प्लस साइन इन सर्च टर्म इज यूज टू प्लस साइन किस लिए यूज करते हैं किसी भी कीवर्ड को इंक्लूड करने के लिए ठीक है फोर्थ है विच बटन विल यू क्लिक ऑन टू सेव द वेब पेज इन फेवरेट लिस्ट ठीक है तो हम क्या करते हैं फेवरेट में जाते हैं देन यूज करते हैं हम एड टू फेवरेट्स को फिफ्थ है बी सी सी इज एन एक्रोनिम फोर बी किसके लिए एक्रोनिम है मतलब किसका एक्रोनिम है यानी किसकी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है यह है ब्लाइंड कार्बन कॉपी की एंड सी किसकी है कार्बन कॉपी की नाउ वी कम टू द सेकेंड वर्शिट दैट इज ट्रू और फॉल्स फर्स्ट इज डू नॉट सेंड लार्ज अटैचमेंट्स वाया ईमेल ई मेल इट माइट नॉट डाउनलोड इफ द रेसिपियट हैज अ स्लो इंटरनेट कनेक्शन ट्रू ठीक है अब तो पता है था कि लार्ज अटैचमेंट सेंड नहीं करनी चाहिए सेकंड है द माइनस ऑपरेटर नैरोज सर्च टू इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ईदर अ कीवर्ड फॉल्स थोड़े ऑल सर्च इंजनस आर एबल टू हैंडल यूर सर्च टर्म और क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ ए नैचुरल लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि सारी जो सर्च इंजन है वो नेच नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये फॉल्स है फोर्थ फेवरेट इज़ अ फीचर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट ब्राउजर टूल दट अलाउज अ यूजर टू स्टोर एंड रिटर्न टू हीज और हर फेवरेट वेबसाइट डायरेक्टली बिल्कुल ये ट्रू है नाव वी कम टू द वर्कशीट थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट इज बी सी सी इज द एक्रोनिम फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेकेंड है डैश इन ई मेल मीन्स सम वन और मोर नेक्स्ट लाइन विच विल भी ऑटोमेटिकली अपेंडेंड इन द एंड ऑफ एंड टू एवरी आउट गोइंग ई मेल्स ऑफ योर्स सिग्नेचर थर्ड इज स्पैम इज ऑल्सो रेफर्ड एज द जंक और बल्क दोनों ही आ सकता है ठीक है स्पैम को हम जंक और बल्क दोनों ही उसके जो अनैदर नीम हैं ई मेल के एंड फोर्थ है डैश सर्च टेक्निक्स प्रोड्यूस रिजल्ट इन विच कीवर्ड आर इन द सेम ऑर्डर इज मैंशन इन द सर्च रिजल्ट ठीक है तो सर्च टर्म में हम जो भी मैंशन करते हैं सेम ऑर्डर में लाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा एग्जैक्ट प्लेस मैच फिफ्थ है द डैश ऑपरेटर नैरोज अ सर्च एंड रिट्राइव एवरी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द वर्ड स्पेसिफाइड इसमें आएगा प्लस ऑपरेटर होता है क्योंकि इंक्लूड करते हैं कीवर्ड को नेक्स्ट है वर्कशीट फोर मैच द फॉलोइंग First is signature, one or more next lines that will be automatically appended at the end of the email. Second, attachments, a picture, sound, or video files attached with email. Third is address book, it stores all names in it. Fourth is spam, the mail which is sent in huge volumes for advertisements to person who have not asked for. इट हमारे बिना परमिशन के हमें लार्ज नंबर में एडवर्टाइजमेंट पर्पज से जब मेल भेजे जाए तो स्पैम होते हैं उसका बल्क और जंक् इसके अनैदा नेम है नेक्स्ट वन इज फेवरेट्स अ टूल दैट अलाउज द यूजर टू स्टोर एंड रिटर्न हीज और हर फेवरेट्स वेबसाइट यानी फेवरेट के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट के लिंक को स्टोर कर, कर सकते हैं सेव कर सकते और डायरेक्टली उस वेबसाइट पे हम जा सकते हैं सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट वर्कशीट फिफ्थ आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस फर्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ सी सी दैट इज कार्बन कॉपी किंड इज वाट इज एन अटैचमेंट आंसर विल बी वी कैन सेंड अ पिक्चर साउंड और वीडियो क्लिप एज एन अटैचमेंट विद अ ई मेल हम अपने ई मेल के साथ अटैचमेंट में क्या अटैच कर, कर सकते हैं पिक्चर कोई भी इमेज पिक्चर साउंड कोई ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप ओके थर्ड इज वेयर विल यू एंटर द ई मेल एड्रेस टू होम यू वॉन्ट टू सेंड द मेल जिसको भी हमें मेल सेंड करना है उसकी ई मेल एड्रेस को हम कहाँ कहाँ लिखते हैं यह है इन टू फील्ड ठीक है टू फील्ड में हम उसका ई मेल एड्रेस लिखते हैं फोर्थ इज वट डू यू कॉल द लाइन्स वट दैट आर अपेंडेंट ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ एनी आउट गोइंग मेल ठीक है वो कौन सी क्या कहते हैं उन लाइन्स को जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी ई मेल के लास्ट में जो है वो अपेंडेंट हो जाती है वो है सिग्नेचर फिफ्थ है विच मेल इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग हुज मे वैल्यूम ऑफ ई मेल फॉर एडवर्टाइजमेंट्स टू पीपल हु हैव नॉट अस्क फॉर इट ठीक है इसका मैंने आपको बताया था इसको तो स्पैम कहते हैं जंक की मेल कहते हैं और बल्क की मेल भी कहते हैं राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस साइन एंड माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ कीवर्ड्स इन अ सर्च टर्म ओके आंसर विल बी प्लस साइन टू इंक्लूड कीवर्स इन सर्च रिजल्ट एंड माइनस साइन टू एक्सक्लूड कीवर्ड इन सर्च रिजल्ट ओके इंक्लूड करने के लिए प्लस साइन यूज़ करते हैं एंड एक्सक्लूड करने के लिए माइनस साइन नाउ वी कम टू द वर्कशीट सिक्स दैट इज आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट इज विच फील्ड्स आर देयर इन एवरी ई मेल कंपोजिंग स्क्रीन एंड वट इज देयर सिग्निफिकेंस ठीक है किसी भी ई मेल की जो फील्ड्स बताने हैं ई मेल के एंड उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं तो आंसर विल बी फील्ड्स ऑफ ई मेल एंड देयर सिग्निफिकेंस ठीक है फर्स्ट इज टू वी एंटर द ई मेल एड्रेस टू होम वी आर सेंडिंग द ई मेल ठीक है टू में हम उस पर्सन का ई मेल एड्रेस लिखेंगे जिसको हम ई मेल सेंड कर रहे हैं सेकेंड इज सब्जेक्ट एंटर द सब्जेक्ट ऑफ आर मैसेज हमारे मैसेज का या हमारे ई मेल का जो सब्जेक्ट है किस मैटर के लिए हम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में आ जाएगा थर्ड इज सी सी फुल फॉर्म ऑफ सी सी इज़ कार्बन कॉपी एंटर द ई मेल एड्रेस ऑफ पीपल टू होम वी वॉन्ट टू सेंड द कॉपी ऑफ द मई ई मेल ठीक है मैं जिसको सेंड कर रही हूँ उसका ई मेल लिखूँगी मैं टू में ठीक है ई मेल एड्रेस लेकिन अगर इसकी कॉपी में किसी और को भी सेंड करना चाहती हूँ तो उसका ई मेल एड्रेस मैं सी सी में लिख दूंगी और इसकी जो कॉपी है वो उस पर्सन के पास सेंड हो जाएगी नेक्स्ट है बी सी सी फुल फॉर्म ऑफ बी सी इज इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंटर द ई मेल एड्रेसेस ऑफ द पीपल टू होम वी वॉन्ट टू सेंड द कॉपी ऑफ द ई मेल ठीक है जिसको हमें कॉपी सेंड करनी है वहाँ उसको हम सी सी में भी लिख सकते हैं बी सी सी में लिख सकते हैं लेकिन सी सी और बी सी सी में डिफरेंस क्या हुआ टू में जिन लोगों को मैं भेज रही हूँ जिन पर्सनस को मैं भेज रही हूँ मेल ठीक है उन, उनका ई मेल एड्रेस लिखूंगी टू में अगर मैंने सी सी में लिखा कार्बन कॉपी मैंने जिसको सेंड करी है उसके बारे में अगर मैंने सी सी में सेंड करी है तो टू वालों को पता लग जाएगा लेकिन अगर मैंने वही कार्बन कॉपी सी सी से ना सेंड करके ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेंड की है मतलब बी सी सी में उसका ई मेल एड्रेस लिखा है तो टू वाला को पता नहीं चलेगा कि मैंने किसको इसकी एक कार्बन कॉपी सेंड की है जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था स्कूल वाला कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टीम टू में उनका ईमेल एड्रेस लिखूंगी और अगर मैंने उसकी सीसी में लिखा प्रिंसिपल सर को वही कार्बन कॉपी सेंड करी तो टू एम मतलब स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा कि मैंने प्रिंसिपल सर को भी इसकी कार्बन कॉपी सेंड की है लेकिन अगर मैं सीसी में ना सेंड करके ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी में सेंड करूंगी तो किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता लगेगा कि मैंने प्रिंसिपल सर को इसकी कार्बन कॉपी सेंड करिए ओके सो वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज वाट डू यू मीन बाय स्पैम ओके तो आंसर विल बी स्पैम मेल इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग यूज वॉल्यूम्स ऑफ ई मेल फॉर एडवर्टाइजमेंट्स टू परसन्स हु हैव नॉट अस्क फॉर इट ठीक है तो ये क्या होते हैं ये मार्केटिंग पर्पज से होते हैं एडवर्टाइजमेंट परपज से होते हैं इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम में बहुत सारे जो है ई मेल एक साथ भेजे जाते हैं या बार बार सी में आपको परे, भेजे सेंड किए जाते हैं और विदाउट योर परमिशन आपकी परमिशन के बिना इसलिए इसको स्पैम भी करते हैं और इसको जंक भी ई मेल भी कहते हैं बल्क ई मेल भी कहते हैं वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन वाट आर फेवरेट्स इन इंटरनेट एक्सप्लोर आंसर विल बी फेवरेट्स इज़ अ फीचर प्रोवाइडेड बाई द इंटरनेट ब्राउजर टूल दैट अलाउज़ अ यूज़र टू स्टोर एंड रिटर्न टू हीज और हर फेवरेट वेबसाइट डायरेक्ट है ठीक है ये इंटरनेट ब्राउज़र है ये हमें एक टूल प्रोवाइड कराता है जिससे क्या होते हैं हम किसी भी यू आर एल को या किसी भी साइट को सेव कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें उस साइट पर जाना है तो डायरेक्टली हम उस लिंक के थ्रू उस साइट पर जा सकते हैं ठीक है फोर्थ है हाउ कैन वी फ्रेम एग्जैक्ट फ्रेज सर्च टर्म आंसर वेन वी वांट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज वी शुड एनक्लोज द एंटायर फ्रेज इन कोटेशन मार्क ठीक है हमें जब भी कोई एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करनी है वो सेम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने दी है ठीक है तो हम क्या करेंगे उस पूरे एंटायर फ्रेज को हम क्या करेंगे कोटेशन में मार्क कर देंगे उसको कोटेशन में डाल देंगे जिससे क्या होगा सेम उसी ऑर्डर में हम फाइंड आउट कर सकेंगे जिस ऑर्डर में हमने सर्च टर्म इंटरनेट पर लिखी है ठीक है फिफ्थ है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग प्लस एंड माइनस साइन इन द सर्च टर्म इसे हम पहले भी शॉर्ट uh, आंसर्स में बढ़ चुके हैं यूज द प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ अ कीवर्ड टू इंक्लूड इट इन द सर्च रिजल्ट और द प्लस माइनस साइन टू इट फ्रॉम द सर्च रिजल्ट ठीक है plus, uh, result, किसी भी सर्च रिजल्ट में किसी भी कीवर्ड किस, uh, को इंक्लूड करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं एंड किसी भी सर्च रिज़ल्ट में किसी भी कीवर्ड को एक्सक्लूड करने के लिए माइनस का यूज़ करते हैं जैसे हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि प्लस जो होता है वो ऐड करने के लिए एंड माइनस जो होता है वो माइनस करने के लिए होता है ठीक है लेस करने के लिए होता है और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है प्लस रेसिपी प्लस चॉकलेट माइनस शेक यानी हमें कोई भी ऐसी रेसिपी देखनी है जो कि चॉकलेट से बनी हो लेकिन वो चॉकलेट केक हो सकता है चॉकलेट पेस्ट्री हो सकती है बट वो चॉकलेट शेक नहीं होना चाहिए यानी शेक को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है दैट्स फॉर टूडे क्लास थैंक यू